हम इसे अपने इस प्रोग्राम को रिवाइव करें क्योंकि तो मेरे साथ ये जो शख्सियत बैठी हुई है मैं इनको बता रहा था ऑफ कैमरा कि मेरी कोई आदि की एक उम्र गुजर गई है लोगों के इंटरव्यू करते हुए लोगों के इंटरव्यूज लाइन अप करते हुए लेकिन आपका इंटरव्यू लाइन अप करते हुए काफ़ी टाइम लगा और इसकी ये वजह कतन बिल्कुल नहीं थी कि वो आ, आ, हाथ नहीं आ रहे थे या वो इग्नोर कर रहे थे या वो अपना टाइम देना नहीं चाह रहे थे क्योंकि कभी कभी होता है कि दो लोगों के सितारे नहीं मिलते तो वो सितारे नहीं मिल पा रहे थे लेकिन Uh, मैं उनका भी बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने तो बिल्कुल ही नहीं हिम्मत हारी और आज हम इकट्ठा हो गए हैं और इस हिम्मत ना हारने की एक बड़ी ख़ास वजह वो आपको बताएंगे जब हम अपनी गुफ्तगु का आगाज़ करेंगे आई हैव विद मी एक इंतहाई गुड लुकिंग इंसान इंतहाई टैलेंटेड इंसान इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि हमें जो मैसेजेस आ रहे हैं अगर मैं आपके साथ शेयर करना शुरू करूं इनके बारे में

शुरू में जब पसंद नहीं आया <laughs> तब तो बात हुई फिर जब दोबारा अच्छा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगने शुरू फिर दोबारा बात हुई फिर खत्म हुआ तो बात हुई और तब से बस बात होती जा रही है बट हमजा टेल मी सबसे पहले ये सारी कॉन्वर्सेशन हम करेंगे एक फ्लो में जब पहुंच जाएंगे यहां तक बट शुरुआत ये शुरुआत कैसे हुई वेन डिड यू डिसाइड दैट टू बिकम एन एक्टर और डिज यू वॉज

कि वट इज़ दिस मीडियम ये क्या है वो शुरू में समझ नहीं आती थी कि ये कैसे हो रहा है <laughs> तो वहाँ से थिंक स्टार्टेड टू बिल्ड अप और बस उसके बाद स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और पहले तो देखा स्कूल में एक साल और ये सारा बहुत ही जल्दी हो गया था तो के मतलब मैंने स्कूल ज्वाइन किया अगर जो कहने आप जो एक उम्र हो उसके स्कूल प्राइमरी स्कूल तो वो एक अल्लाह का करम ये भी था कि स्कूल्स ऐसे थे कि वो जरा आर्ट्स एंड मीडिया वगैरह को प्रमोट करते थे स्टूडेंट्स को इनक्रेज करते थे ये चीज़ें करने के लिए तो जब वहाँ पे देखा पहली दफ़ा तो आई अच्छा ये वही है जो टीवी पे देख रहा हूँ <laughs> तो मैंने फिर कोशिश की कि उसमें किसी तरह हिस्सा लिया जाए जरा घर पे जब बात करने की कोशिश की तो मेरे अच्छा। uh, well, uh, <laughs> कि के, के पढ़ाई पे फोकस करो में। के पढ़ाई पे ही फोकस रहना चाहिए तो, <laughs> तो मैंने जरा हल्का सा छेड़ के देखा बात को तो किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया तो फिर मैंने छुप छुपा के कर लिया उसमें पार्टिसिपेट और

बड़े लोग इस चीज़ को ना मानते नहीं है बड़े लोग इस चीज़ को ना बिलीव इट आई टेल देम मतलब मेरे जिन लोगों से मेरी मुलाकात भी होती है एक्सेप्ट फॉर माई वेरी क्लोज सर्कल जिन्हें सब पता है जो घर आना जाना जिन दोस्तों का और जो मेरे अम्मी अबू को जानते हैं जो हमें हमें जानते हैं अच्छी तरह <laughs> उनको इस बात का पता है कि मेरे जो वालिद साहब थे ना ही डिड नॉट वॉन्ट मी टू गेट इंट दिस वो एक मेरा ख्याल है शायद uh, सारे एक्टर्स जो होते हैं वेटरन एक्टर्स या जो थोड़े सीनियर आर्टिस्ट होते हैं जब उनके बच्चे आते हैं तो आई थिंक वो एक नेचुरिक्स स्केयर होता है कि इसको कहीं वो शौक ना पड़ जाए अब मैं जिस तरह आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं वारद साहब से बड़ा शदीद खौफजदा था तो मैंने कभी एक उनसे ओपन कॉन्वर्सेशन नहीं कर सका बट जैसे जैसे बड़ा होता गया तो ये चीज़ समझ आती गई कि, कि अच्छा ये एक ऐसा डिसीजन है जो मुझे बड़ा सोच समझ कर लेना है अबू को शायद जैसे होता है तो वाले तो बच्चों का पता होता है तो शायद उनको नजर आ रहा था हालांकि मैं बड़ा सारी चीज के बारे में मैं बड़ा छुप छुपा के करता था जो भी करता था बट माँ बाप से क्या ही छुप सकते हैं तो उनको शायद अंदाजा था कि इसमें ना कहीं से आ गया है वो कीड़ा <laughs> तो ये अब करना चाह रहा है या जो भी बट कभी भी वी नेवर हैड एन ओपन या कभी भी उस बारे में वो होता है ना एक कॉन्फेंटेशन हुई हो नेवर तो बस वो मुझे बड़ा एक सोच समझ कर के फैसला करना पड़ा जैसे जैसे वक्त के साथ साथ उम्र बढ़ती गई और तो ऑल दिस वाइल यू विल ट्राइंग योर हैंड एट लाइक स्कूल प्लेस यूनिवर्सिटी क्या क्या चल रहा था इन दिनों में सर स्कूल प्लेस थिएटर होता था हमारी स्कूल्स हाँ. uh, वगैरह में और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मिडिल स्कूल में गया तो फिल्म मेकिंग वगैरह के कॉम्पिटिशन होते अच्छा। तो एंड यू वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन ऑल ऑफ दैट मैं तो सर मतलब एक स्पोर्ट्स होती थी और दूसरा ये होता था अच्छा हम लोग फुटबॉल खेलते थे फुटबॉल टीम वगैरह में थे और दूसरा ये शौक था बट मुझे मेरा एक दफा ना ना कोच ने एक साल सेलेक्ट नहीं किया टीम में तो मैंने उनसे बड़ा खिला किया

So, um, एक दफा मेरे कोर्स ने मुझे कह दिया उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं होता अगर नहीं सिलेक्ट हुए जब ये बात हाँ। हुई कि सर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो कहते हैं यार कुछ नहीं होता नहीं सिलेक्ट हुए आप वो करो जिसमें आप बेहतर हो हाँ। उन्होंने यूं मुझे ना एक पता नहीं ताना मारा है क्या किया इस तरह के ना कॉम्पिटिड विद इंडिया इंटरेस्टिंग। एच एस एन कॉलेज तो मैंने मुझे वहाँ पे मिला एक शख्स जो कि आज के टाइम में, में मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा भाई भी है बिल्कुल भाइयों की तरह मतलब तो मेरे छोटे भाई के अलावा मेरा कोई भाई है तो वो है वो है दान्याल सफर तो दान्याल और मैं हम मिले ही हूँ एक कॉमन इंटरेस्ट पे कि अच्छा आए फिर ये इकट्ठे कर लेते हैं आपको भी शौक है मुझे भी शौक है आए मिल बना लेते हैं तो कैसे वो मुलाकात कैसे पहली कैसे हुई थी सर दानियाल जो है ये मेरे पास आया था कोई स्कूल की ना ब्रेक थी अच्छा तो दान्याल वर इन द सेम स्कूल वी वर इन द सेम स्कूल बीकेर्न वाज डिफरेंट बीकेर्न क्रॉस द हम बचपन के दोस्त हैं तो दान्याल सेम क्लास आल्सो लाइक क्लासमेट शुरू में हम लोगों के सेक्शंस अच्छा डिफरेंट थे फिर आगे आगे ओ लेवल्स और ए लेवल्स अच्छा ये मैंने आज मुझे पहली बार पता है मैंने कहा दोस्ती है ये नहीं पता था कि क्लास फेलोज़ भी थे अच्छा हां हां सर बड़ी पुरानी बड़ी गहरी दोस्ती है ओके तो उसने कहा कि यार तू पार्टिसिपेट कर रहा है मैं उससे पहले कर चुका था वो भी अपना कर चुका था बट शायद उसे भी मज़ा नहीं आ रहा था मुझे भी मजा नहीं आ रहा था वो प्रोडक्ट नहीं हमसे डिलीवर हो रहा था तो फिर उसने कहा कि हम मिल करते हैं तो वहां से भी और हमने अपने पहले प्रोजेक्ट पे काम किया वही स्कूल लेवल पे तो उस दौरान ही फिर दोस्ती भी अच्छी हो गई और फिर किस तरह का प्रोजेक्ट था था ये क्या क्या बनाया हमने सबसे पहले किया था सर एक कॉमेडी ट्रेलर बनाया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है

अच्छा काम था वो ये था कि हमने सर स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो टीम hmm. हम, मतलब, uh, so हम एक टीम हो गए और फिर हमने नाम नहीं रखा कोई आपने अपनी टीम का सर नहीं <laughs> <laughs> होना चाहिए था लेकिन शायद था याद नहीं है बड़े पुराने दारियाल साहब <laughs>

कंपटीशन और उसका जो भी होता था फॉर्मेट उस पर डिपेंड करता था एंटायरली तो जो भी होता था हम रेडी होते थे और वहां से बस एक तरह से तजर्बा भी लेते जाते थे डैनी न्यू कि उसने क्या करना है मी ऑन दी अदर हैंड मुझे पता था मैंने क्या करना है बट मुझे डर बड़ा साख्त था hmm. कि होना पता नहीं क्या <laughs> <laughs> करना तो यही है होना पता नहीं क्या है तो बस सर वो फिर इस दौरान चूंकि ये वालिद साहब अब सारा कुछ ऑब्वियसली ऑब्जर्व तो कर रहे हैं अगला सवाल यही था कि इस दौरान जो फैमिली की तरफ से उनको पता लग रहा था कि जी कंपटीशन सर मैं जब शूट वगैरह करने जाते थे ना हम लोग तो मैं कई बार ये कह के गया था कि मैं जरा पढ़ने जा रहा हूँ या होमवर्क करने जा रहा हूँ मेरी इतनी मजाल नहीं थी कि मैं उनके सामने इस तरह की कोई बात कर दू क्योंकि वो ऑन अदर हैंड मुझे ना थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि ये नहीं करना बट वॉट डिड यू वॉन्ट यू टू डू क्या जब फैमिली की तरफ से क्या था वो क्या चाहते थे क्या करें आप सर बड़ा कुछ मेनली uh, <laughs> उनका इंटरेस्ट था सी में हाँ. uh, कि सी कर लो पुलिस ऑफिसर बन जाओ क्योंकि उनके वालिद साहब uh, पुलिस ऑफिसर थे मेरे दादा जो है तो वो था कि यार कोई तो एक बीच में से इस तरफ चला जाए तो उनको मेरे से बड़ी उम्मीदें थी मैं जरा पढ़ाई में अच्छा था और पढ़ाई में मैं अच्छा इसलिए था क्योंकि मुझे ना तो मैं उस गर्ज से मैं पढ़ाई अच्छा था। मतलब मैं अपनी पढ़ाई जान मार के कर लेता था कि यार मुझे इन चीजों से कोई रोके ना कि मतलब कोई ये ना कहे कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो इसलिए बस उनको जरा उम्मीद थी लड़का शायद बट साथ साथ वो ये भी चाह रहे थे एक्टिंग और ये तो कभी बात हुई नहीं ना मतलब नहीं अगर वो फिर ये होता था कि डिस्कशन होती थी जिसमें मैं मैं आपको बता रहा हूं ना वो वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते थे तो तो जब डिस्कशन होती थी तो मैं ऐसा डरा होता था कि मैं अग्री कर रहा होता था इतना बिल्कुल ठीक कर रहा जी जी ऐसी है मैं बिल्कुल नहीं। <laughs> ये। और वो डिस्कशन मतलब ये बिल्कुल भी नहीं थी हरगिज़ नहीं थी कि काम या ये वो उस हवाले से कुछ नहीं वो ये था कि इट्स अ टफ जॉब चूँकि उन्होंने उनकी जर्नी एक बड़ी टफ जर्नी रही हुई है ऑन जोन तो उनको ये था कि मैंने ये इतनी लंबी एक पी काटी है इतना एक लंबा मैंने सफर तय किया है तो मेरे बच्चे आगे से इनको इस तरह का कुछ ना करना पड़े चूँकि वालद साहब जो हैं वो एक बड़े उसूल पसंद आदमी हैं उनके बड़े और वो मॉरली बड़े स्ट्रॉग इंसान हैं तो ये तो होना नहीं था कि वो कहते कि आओ तुम्हें एक प्लेट प्लेट में में पूरा रिवर्स खाना रिवर्स हैपनिंग है। <laughs> बिल्कुल ऐसी तो उनको ये ये नहीं था कि इनको प्लेट में खाना मिल करें बिकॉज़ uh, उसमें मेरा ख्याल है मैं अभी तक मेरी उनसे आज तक ये कॉन्वर्सेशन मैंने कहा <laughs> uh, क्यों ये सब सब उनके डिसीजंस किस लिए थे मैं क्योंकि आई लाइक टू लर्न मोर अबाउट आवर आर्टिस्ट हमारे लेजेंड्स जिस तरह का तो उन्होंने काम किया जो वो वक्त देखा uh, उनकी स्ट्रगल्स चैलेंजेस मेरी कोशिश भी होती है जब के हमारे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं लेजेंड्स उनसे मुलाकात हो तो मैं सीखूं समझूं मुझे लगता है एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉंग के एक जो हमारे जो जैसे आपके वालिद साहब हैं जो सीनियर हमारे जो जो मैं एक्टर में तो लेजेंड्स लेजेंड्स हमारे हैं उन उनको ये है बिटर रियलाइजेशन पाकिस्तान में आर्टिस्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं है और उनको और भी ज्यादा है बिकॉज अचीव्लिट सो मच लाइक अहमद यू नो उनकी जो अगर आप अकम्पलिशमेंट पे एक नजर डालें तो मतलब लाइक मोस्ट एक्टर थे नहीं किया उनको सबसे बढ़ के इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में जो एक आर्टिस्ट है एक्टर है एट द द एंड ऑफ डे उनको जितनी वो एफर्ट जितनी जान मारते हैं जितना वो काम करते हैं जितनी मेहनत करते हैं रिटर्न फाइनेंशियली प्रोबेबली इट हैज बिकम बेटर नाउ आई डोंट नो बट अदरवाइज एक जो है आर्टिस्ट का एक जो मुकाम सोसाइटी में जो आप देखते हैं इंटरनेशनली बाहर के मुल्कों में दूसरी जगहों में होता है वो नहीं है यहाँ पे आपको लगता um, है,

I think what that Everyone does is fears. in in some cases and we've had these conversations on on our channel also where uh, there is not enough financial independence for you to cater to your creativity. आपको होता है कि यार कि ओ oh, मैंने किचन चलाना मैं घर चलाना तो फिर आप you end up doing that those projects as well जो कि शायद आप otherwise ना करते you know ऐसा भी होता है। तो आपकी at the end of the day आ के वो जो financial independence कुछ actors में होती है

कम कम्पेयर टू बाहर के ममालिक हमारी या इवन आर क्रॉस बॉर्डर जो हमारा हमसाया मुल्क है so, मैं स्लाइटली इस बात से थोड़ा सा डिसग्री करता हूँ बिकॉज सर आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं सुहेल अहमद साहब कवी खान साहब नुमान एजाज़ साहब एंड मैनी मोर ऑफ दीज लेजें सुपरस्टार्ज वी है जिन्होंने बाहर नहीं भी काम किया उसके बावजूद उनका एक आज बड़ा नाम है बड़ी इज्जत है उनकी

आई थिंक वो थोड़ा सा हम वी ऑलवेज फॉल शॉर्ट जैसे कभी खान साहब का भी आपने नाम लिया उनका भी बहुत सारी हमने इवन एक्टर्स की तरफ से भी हमने देखे जो करंट जनरेशन के हैं जब उनकी वफात हुई कि यार के जब कभी साहब जिंदा थे yeah. तो उनके बारे में तब तो इतने कोई ट्राम इस तरह के ट्रीब्यूट या इस तरह के उनको अवार्ड या वो नहीं मिले फिर एक सेक्शन तो बोला नहीं यार कभी साहब को तो बड़ी रिकॉगनीशन मिली बड़े अवॉर्ड भी मिले तो इट्स ऑलवेज लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ ग्रे एरिया यार है नहीं है क्या है क्या नहीं है

बट आई आई बिलीव जो आपका आर्ट्स एंड कल्चर को हम रिप्रजेंट करते हैं मीडिया इंडस्ट्री आई थिंक शायद लोगों को उस चीज़ की थोड़ी समझ आ गई है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वाई पीपल आर लाइक ऑल्सो पुशिंग फॉर इट टू यू नो रीचल लेवल और हो भी रहा है अब काफ़ी लोग बड़ा कुछ अचीव कर रहे हैं इंटरनेशनली तो बड़े प्राउड मोमेंट होता है तो आई एम श्योर अगर मै बी पाकिस्तानी वो चीज़ वो यूफोरिया में

और पहला पहला प्रोजेक्ट बस रकीब से वॉज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट है उससे पहले कोई और आप साइन किया आपने कुछ किया मुझे नहीं पता छुपा <laughs> के रखा मैं कोई तो प्रोजेक्ट नहीं नहीं ये ये भी आ, एक किस्सा है जो मैंने कभी नहीं वो जब भी आज, आज यार रमजान वो ही <laughs> आज ये किस्सा भी हो गया मैंने सर ऑडिशन दिया था जब काशिफ निसार साहब को तो उन्हें जो समझ आ गई थी कि हाँ इसको इस तरह से यूटिलाइज मैं करूँगा तो रकीब से का शूट थोड़ा सा डिले हो गया थोड़ा पाइपलाइन हो गया था और मैं बैठा हुआ था <laughs> तो मैं रोज जाके ऑफिस में बैठ जाता था और मुंह देखता था बिकॉज आई तो हैड नो जॉब मेरा तो दिस वॉज माई वर्क मैंने करना ही ये था तो मैं काफ़ी देर बारी स्टूडियोज में जहाँ पे काशन हाँ। साहब का ऑफिस है मैं उधर बैठा रहता था इसी इंतजार में कि रकीब से शुरू हो <laughs> लेकिन वो नहीं हो रहा था तो फिर सर के साथ जरा जब फेस टू फेस एक हो वही बात उन्होंने तो कहा कि यार बेटा वो तो अभी शुरू नहीं होना लेकिन मैं एक और चीज बना रहा हूँ मिस्टर मिस्टर yeah, yeah, yeah. उसमें कैरेक्टर है तो वो सबा का जो वो जो बेटा बना होता है शे, शे, शे. तो उन्होंने कहा कि वो हो सकता है मैंने कहा अच्छा ओके गुड ऑडिशन हैं उसका भी ऑडिशन दो फिर उसका ऑडिशन हुआ और खैर वो डेढ़ दिन का काम था <laughs> बिल्कुल ही छोटा सा वो काम था डेढ़ दिन का काम था तो आई डेड इट

फायदेमंद रहा या नहीं फायदेमंद रहा या उल्टा उन्होंने फोन करके कहा नहीं इन्होंने नहीं करा रहा ऑडिशन नहीं विन करना इन्हें नहीं नहीं अबू ने आज तक किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं किया इस ना, ना इस तरह ना उस तरह ना इस तरह ना उस तरह तो कभी उन्होंने इंटरफेरेंस की नहीं तो वो बस यही था कि जब वो शुरू हुआ तो बस सारा शूट हो गया मतलब कोई मेरे से पूछ भी ही रहा था कि शूट कैसा हो रहा है so, <laughs> <laughs> तो मैंने कहा नो बट वो फर्स्ट मुलाकात वो ऑडिशन सिक्योर करना वो कैसे हुआ सर मैं था जब मैंने वालिद साहब से इस बात का जिक्र किया था कि मुझे एक्टिंग करनी है hmm. जब फाइनली मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स करने के बाद ये हमारी एक डिस्कशन हुई तो वो कहां से किया था मास्टर्स सर मैंने इंग्लैंड से किया था लंदन से अच्छा आई वाज देयर फॉर 5 इयर्स तो मैंने अपना बीबीए एमबीए पूरा किया वेयर फ्रॉम

बट uh, मैं लंदन में था ठीक है तो यू इन लंदन जी तो जब वालिद साहब की वो तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई और मैंने आगे जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है करो अच्छा ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ यही कॉन्वर्सेशन थी जहाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि Does he want me to do it? Does, does he, he not want me to do it? And how does he want me to do it? Because मैं हमें इधर बिल्कुल ना इस सारी इंडस्ट्री से ना शेल्टर करके रखा गया था मुझे

जो फाइनल प्रोडक्ट था वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बट प्रोसेस में <laughs> ट्रीटमेंट क्या होती है और किस तरह से कुछ सीन्स पे यार ये देखने वाला तो काम नहीं है अभी <laughs> बचपन की बात बता रहा हूँ तो वो इतना कोई खैर कोई खास इंटरेस्ट नहीं था उस शूट प्रोसेस को देखने का बचपन में जो मैंने विटनेस किया था चंद एक दफा तो सर उन्होंने कहा कि आप करें फिर तो उनसे मैंने ना उस टाइम पूछा कि फिर कैसे किया जाए क्या किया जाए बट खैर एक दो दिन बाद उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तुम्हारी कराची की टिकट करवा रहा हूँ मैं लाहौर भेजता हूँ वैसे लाहौर में रहता हूँ लाहौर में ही पला बड़ा हूँ तो उन्होंने कहा मैं कराची की टिकट कटवा रहा हूँ तुम्हारी और ये तीन महीने का ना खर्चा है और वो ठीक था डिसेंट था कि इसमें अपना खाना पीना और अपना रेंट भी देख लेना वो मैं कोई होटल शोटेल के रहने का रेंट नहीं <laughs> था तो उसका रेंट था तो मैं अपने वो एक कंफर्ट जोन से उठ के फिर निकल के पहुंच गया यहाँ पे तो जितना मेरे पास किराया था मैंने जरा एक पूरा वो एस्टिमेट लगाया मैं अकेला रहा हूँ तो मुझे ये चीजें करनी आती थी कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह निकालनी और मेरी पढ़ाई थोड़ी सी इधर काम आ गई मैनेजमेंट <laughs> का स्टूडेंट था तो मैंने कहा अच्छा चले आए थोड़ी मैनेजमेंट प्लान करते हैं तो यहाँ पे आ गए और गेस्ट हाउस जो मुझे मिला उस पैसों में वो एक बड़ा लाइफ चेंजिंग गेस्ट हाउस था हाँ। कि मतलब मैं रात को कई दफा एक्टिविटी तो नहीं उधर होती थी कहीं गेस्ट नहीं गेस्ट हाँ। नहीं इस तरह हाँ। का नहीं था ये मैंने मेक श्योर किया कि <laughs> वो माहौल ना हो हाँ। बट दूसरा माहौल था वहां पे और तरह के गेस्ट थे वो आपके लाल बेग और अच्छा अच्छा बेड बाग्स तो मैं थोड़ा सा वो हुआ ओवरवेलम हो गया उस सारी वो एक shift को देख के, हाँ। के मुंह से जाता। तो जाता। मैं तो कुछ फिर रहा है मेरे हाँ। पे। तो वो भी एक फिर बड़ा मजे का सारा रहा लेकिन चूंकि हाँ। एक था एक डिसीजन करना तो यही है तो ये बात आया <laughs> कराची जी तो सर मैंने फिर यहाँ पे आके पता शता करवाया मैंने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है प्रोडक्शन हाउसेज लेने पे तो खैर ना ही लू लेकिन बड़े 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 बड़े, -बड़े, बड़े, 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 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं बट उसमें आप गए सबके बाद मिले फिर आप सबसे कोशिश मैंने सबसे मिलने की की थी सर वो आई के नॉट नेम देम ऑल और उस ऑर्डर में बता नहीं सकता किस किस के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा बट कईयों ने

अच्छे से नहीं ये ऐसा भी होता है ये ये मैं ऐसा भी होता है बट मैं आपको बता नहीं सकता ऐसा हुआ नहीं आँगा सकता आँगा नहीं। मैं ऐसा हुआ है इसकी आपको ऑफ कैमरा में पूछूंगा लेकिन बिल्कुल पीपल so uh, yeah. so ये uh, वालिद साहब का कोई प्लान नहीं था सच कि उनके बच्चे आगे इस काम में आए तो उन्होंने सिर्फ अपना काम किया और अपने के लोगों में और अपने घर बार में अपने बीवी बच्चों में इन्वेस्टेड रहे हैं सारी जिंदगी तो उन्होंने कभी वो कॉन्टेक्ट वो दोस्तियां बनाई नहीं है कॉल करके कहें गिव माय सन वर्क और मैं आपको बता रहा हूं वो मॉरली बड़े स्ट्रांग आदमी है और उनके बड़े प्रिंसिपल्स हैं तो वो इस चीज में बिलीव नहीं करते तो अब अगर उस फैक्टर की वजह से कि ये उनका बेटा है और कोई कहे कि काम देना है उस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी आ, मेरी अपने दिल से ऐसी कोई वो नहीं थी इंटेंशन और बल्कि मैं उल्टा इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने जितनी एक तो मैं काम पे जोर दे रहा था दूसरा मैं इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि ये ना हो वो ये मेरी एक अलहदा स्ट्रेस थी <laughs> कि इससे मैंने किस तरह बच-बच के hmm. कि ये नाम वाली चीज है इसमें सर कोई बुराई नहीं है अगेन बड़े लोग करते हैं मेरा चूंकि वजह औरती काम में आने की मेरा पीपल मोस्ट पीपल गैरेंटू इट बिकॉज़ देर पेरेंट्स या देर सिबलिंग्स या व्हाटएवर आर इन द इन द इंडस्ट्री एंड दिस लाइन ऑफ वर्क मुझे ये था कि अगर करना है हमजा साहब तो फिर करो इस तरह से कि

But I think you've carved your own identity and in a span of very short time, which is commendable. Sir, intention मुझे समझ में इसलिए मैं ना I'm lost at words की कि मैं किस तरफ को जाऊंगा आपको लेके <laughs> अच्छा तो, आप कराची आए गेस्ट हाउस में लाल बेग घूम रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेज से मिल रहे थे बात नहीं बन रही थी फिर क्या हुआ नहीं नहीं बात बन रही थी मिल लेते थे हां लोग बुलाके ऑपर्चुनिटी तो नहीं मिलनी थी ना मतलब ये नहीं था कि मैं सीधा जाके द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन हाउस से मिल पा रहा हूं या कुछ बट जो लोग आपको देखते हैं जो लोग कास्टिंग करते हैं उन हाँ। लोगों से मुलाकातें हो रही थी और आई हैव गिवन अबाउट रफली अबाउट मेरा ख्याल है कुछ नहीं कुछ नहीं तो 35 40 ऑडिशन्स अच्छा इन कराची सुनो नेपोटिज्म वालों 35 40 ऑडिशन्स आपने दिए डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस को फॉर डिफरेंट प्रोजेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम

क्योंकि अब ने फिर मुझे उस टाइम पे ये भी कह दिया उन्होंने मुझे एक एक मखसूस वक्त दे दिया एक टाइम विंडो मिल गई मुझे कि दिस इज इट दिस इज इस इस इट इसके बाद यू कैन नॉट पर्स्यू दिस फिर आ जाओ वापस और आके काम करो और अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि चलो मैं फोन उठा के मिला देता हूं किसी नहीं नहीं वो तो होना ही नहीं था ना सर वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं ये करूं हां तो उन्होंने कहा ये स्ट्रगल

मतलब तो महसूस नहीं हुआ कि बड़ा कोई ग्राइंड में से गुजरा है वो मैं उल्टा इंजॉय कर रहा था क्योंकि फ्रॉम कमिंग आई टू गुजारने के लिए और, work, 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 work wise, wise, इस काम के अलावा और मैं बड़े आराम से इससे शायद आप फाइनेंशियली जो एक बात कर रहे थे वो मैं इससे Made much more out of it. <laughs> तो I like कुछ... to know, but <laughs> <आफ केमरा. laughs> <laughs> तो आपको, आपको, off camera। कभी भी ऐसा नहीं हुआ मुझे था कि यही है, है। कम खा लूंगा लेकिन करना यही है और, और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे मैं वैज्ञान मिलना चाहता कम नहीं खाते जो खाते है वो बड़ा अच्छा खाते है बट मैं अपनी बात कर रहा था बिकॉज आई डेंट नॉट नो ये जर्नी कहाँ पर लेके जाएगी ये सर अगर मेरे वाले साहब अब मुझे जहाँ तक समझ आती है अगर उनकी इंटरफेरेंस होती भी या वो अपनी पावर या अपनी पोजिशन को यूज़ करते भी तो अगर मेरे नसीब में ना लिखा होता तो मैं शायद कुछ भी ना कर पाता मैं उनकी क्योंकि मैंने फिर ये एग्जांपल्स देखी भी हैं थोड़ा मैंने ऑब्वियसली साथ साथ स्टडी भी करता था हाउ दी इंडस्ट्री मूव्स बाहर भी यहाँ पे भी

और अब दोबारा मांगने की तो नहीं होगी हिम्मत नहीं मांग पाऊंगा तो वो भी पाइपलाइन होना शुरू हो गया मैं मैंने ये काम थोड़ा खराब है फिर मैंने सर यहाँ पे आपके कराची आर्ट्स काउंसिल है जी मैं वहां पे गया वहां पे दावर महमूद साहब है वो थिएटर करते हैं तो आई पॉइंट मैं उनको तो बताया मैंने सर एक्टर मैं पहले उधर घुसने नहीं दिया उन्होंने मुझे बाहर वो आपका जो मेन गेट है उधर गार्ड्स ने कहा भाई किधर कौन तो कहा मुझे अंदर उनसे मुलाकात करनी है

और हम जब टूर करना स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं तुम्हें बैकअप में ये फलाने वाला कैरेक्टर करवाऊंगा मैंने कहा ठीक है पैसे मिलेंगे इसमें कुछ तो उन्होंने मुझे कहा कहा कि जी का मैंने दे <laughs> <करवाये> जो कहां <करने। laughs> तो, मतलब, uh. तो, कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी मर्जी से आया था

जब भी था कोविड कोविड, जब जब भी आ आ आ रहा था कि हाँ, हाँ, तीन मुसाफिर गए हैं बाहर से। हाँ, उस <laughs> और, और स्मेल वो फैला चुके थे स्मेल दर्दें आ रही हैं, हैं जा रही है, ये वो। और ये मैंने बाद में टीवी पे देखे ना हाँ, क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा था जॉब की वजह से तो एक दिन मैंने गेस्ट हाउस में खबरें लगा के देखा मैंने कहा हुआ उसके बाद हुआ कभी नहीं मैं बताता हूँ आपको तो मैं मेरा ख्याल है जो पहले पचास पेशेंट्स आए थे ना जो पाकिस्तान के जो आ रहा था कि पचास लोगों को फैल चुके मैं उनमें से एक था तो लगा कैसे लिए यार पहले थिएटर जा रहा था ना तो थिएटर पे बहुत ज्यादा हाँ। वर्क फोर्स थी और वो सारे आके मिल रहे हैं जपकिया डाल रहे हैं और ये वो मैं तो क्रू के साथ होता था हाँ। तो मेरा ख्याल है वहां से कोई एक भाई लेकर आए और उन्होंने फैलाया फिर उसके बाद आपको स्पीड तो उसकी पता है एक बड़ी रैपिड स्पीड पे फैला था तो मैं कोविड भी मुझे हो गया

या फारक रहना वो जो चंद एक महीने थे क्योंकि सब पूरी दुनिया बंद थी वो जब खुला तो फिर दोबारा मैं चूंकि सर ये इस नेटवर्क में मैं स्कूल वाले टाइम से ही था जहाँ पे बच्चे आर्ट्स एंड मीडिया वाली फील्ड में जाना चाह रहे थे तो वो वाले थे कनेक्शन फिर दानियाल था मेरा बड़ा अच्छा दोस्त जो कि थोड़ा पहले से काम में आ गया था और वो जानता था लोगों को तो उससे भी बातें हुई और लोगों से भी बातें हुई तो फिर आप स्टोर के काशिम निसार साहब हैं Funnily, father has worked with आ, एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया था में में या में, उल्लू काम नहीं करते थे तो तो लाहौर में ही है बारी स्टूडियोज बैठते हैं वहां गया वहां पर उधर गया उनकी कोऑर्डिनेटर का नंबर किसी से लिया वो मेरी दोस्त थी वो उनके साथ क्रिकेट खेलती थी उनकी कोऑर्डिनेटर अच्छा, मैडी अच्छा। तो मैडी का नंबर कहीं से लिया मैडी से बात की उनसे कहा जी मैं काम करना चाहता हूँ ये वो उन्होंने कहा आ जाए फिर काशिफ साहब के जो थे असोसिएट और शाहिद साहब और सुहेल साहब वहां पे भी एक होते हैं तो उन लोगों से मुलाकात तो हुई उन्होंने मेरी ऑडिशन रिकॉर्ड किए बारी में फिर वो काशिफ साहब तक गए फिर काशिफ साहब ने कहा बुलाओ इस लड़के को

हमारे जो यंग एक्ट यंग एक्टर्स भी छोड़ जो एस्पायरिंग एक्टर है कोई आप में से जो एक्टर बनना चाहता है ये है प्रोसेस और ये प्रोसेस अभी हमजा ने मेरे ख्याल में आधा भी नहीं बताया होगा अभी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी बहुत सारी बातें हुई होंगी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे ऑब्वियसली इतना टाइम तो नहीं है कि सारी वो बातें बताएं बट इट इज अवज और डील

हाँ भाई कॉकरोच भी फिर रहे हैं मुंह के ऊपर कोविड भी हो गया है टांगों में भी दर्द हो रहा है अगला बंदा एक्टर बनना no, एक तो कि अब वापस तो जा नहीं सकते मुँह का ला कर तो कुछ तो करके जाना पड़ेगा। तो शो फेस ना भाई तीन महीने चार महीने यहाँ लगा दिया इतना जो इधर किया है हो गया सुकून आ गया नहीं हुआ ना आज अब काम करो हाँ तो एक

छोटा टाइम ये मुश्किल निकालेगा तो बड़ी चीज़ें इसके सामने क्लियर हो जाएंगी hmm. और ये मैं फिर अगैम कहता हूँ मुश्किल नहीं था मैं ड्राइव सर यहाँ पे एक और थी एक और मोटिवेशन ही होती थी कि आई यूज टू कीप डूइंग माय रिसर्च और जब मैं दूसरे आर्टिस्ट या दूसरे एक्टर्स सम वेरी वेरी बिग नेम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमारी इंडस्ट्री से लेके बाहर की इंडस्ट्री से लेके मैं आई यूज़ टू लिसन टू देयर जर्नीज क्या यार ये भी उसी मिट्टी के बने हैं मैं भी उसी मिट्टी का बनाऊँ इफ़ दे कैन डू इट

आप मुझे रहने दें यार ये जो सफ़र था आपका ये सफ़र जो लिटरी सफ़र आप अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर रहे थे फिर आप उसने अंग्रेज़ी वाले सफ़र से आपने उर्दू सफ़र की तरफ आप गए और फिर आप नेशनल बॉयफ्रेंड ऑफ पाकिस्तान बन गए ऑफ द नेशन बॉयफ्रेंड ये सर दिस काइंड ऑफ स्टफ गेट्स मी पिंक इन द चीक